भाई जैसे भी बुलवाए हैं पक्का काम स्टार्ट हो गया भाई। ये हमारे तिवारी जी आ गए अपनी सफेद पसंद की। अगर जाम ना करो तो भाई तो कोई भी खून खड़े क्लास में ले जाता। शुरू हो गई है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। भाइयों आज फिलहाल मोरंग का ट्रक अपना सुबह सुबह आ चुका है भाई, 9 बज रहा है और उसको लेके चलना जहाँ गिरवाना है वहाँ पे। तो भाइयों यहीं पे अपनी गिट्टी गिरी थी और यहीं पे मोरंग में गिरवा ले रहे हैं भाई। तो भाई मोरंग गिरना शुरू हो गई है। निकल गए चक्कर साइड का मारे हैं अपनी, वहाँ पता नहीं कितना काम वाम हुआ है क्या है, बगली में है दिख रही है यहाँ से। आगे भाई अपनी साइड तो यहाँ के सारे पिलर तैयार हैं भाई। अब मोरंग जितनी देखो भाई ट्रक गिर रहा है ना, सब कुछ गिट्टी मोरंग सीमेंट सब रेडी है, कम्प्लीट है, जगह बनी मसाला बनाने के लिए। The next day. तो भाई वो कल तो क्या हुआ, जैसे आया मोरंग पूरा ट्रक आया था, मोरंग निकल रही थी ऊपर वाली उतर के 2 घंटा लगा। उसके बाद उसको एकदम थोड़ा काम था तो इसलिए मैं यहाँ से चला गया, पापा यहीं पे थे, मैं चला गया यहाँ से वापस घर अयोध्या। और आज फिर से आया हूँ कल के भाई 16 तारीख, आज 17 तारीख और अब मोरंग वगैरह भी आ गई है यहाँ पे, सब कुछ मोरंग गिट्टी सीमेंट मसाला सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है। तो आज से जो है काम स्टार्ट हो रहा है, पिलर वाला काम भी कल जो है सब लोगों ने कंप्लीट कर दिया, पिलर सारे खड़े हो गए हैं भाई। अब इसमें खाली पक्का करना है, इसमें कंक्रीट का मसाला डालना बचा है। तो आज से अब काम कह सकते हैं कि यहाँ आज से जो हमारा काम है वो अच्छे से पूरे तरीके से तेजी से आज से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज से भाई पक्का काम स्टार्ट हो रहा है। अब तो सिर्फ गड्ढे रहे खुदने का काम था, अब आज से काम बढ़िया से स्टार्ट हो जा रहा है अपना, क्योंकि मसाला भी बन रहा है। अब देखते हैं आज कितने पिलर हमारे खड़े हो पाते हैं, कितने बचे रहते हैं। इसके सिवा कल जो है भाई दिक्कत है, पानी वाली बोरिंग करा देते पर नल देने को, तो भाई अब मोरा मोरा सब आ गया, क्योंकि हमारा नल भी जो है नया रख गया था, हम लोग को पानी का जुगाड़ यहाँ हो गया, पानी का जुगाड़ मसाला बनाने के लिए। अब पानी की कोई दिक्कत नहीं। और कल एक बड़ा काम और हुआ कि बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया गया है। अब जल्दी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी हो जाएगा तो फिर आराम रहेगा, लाइट पानी सब कुछ दिक्कत खत्म। और कल जो है वॉल भी लग जाएंगे अपनी बाउंड्री वॉल भी। तो देखते हैं आज तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश वगैरह हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, आज धूप नहीं है, पर बारिश ना हो तो काम रुकेगा, डिले होगा, बता जाता हूँ बारिश ना हो बाकी ऐसे ही रहे, धूप भी ना निकले तो काफ़ी अच्छा रहता है। निकले मसाला बन रहा है और यहाँ पे पक्का काम स्टार्ट हो गया भाई। देखते हैं कितने पिलर हमारे तैयार हो पाते हैं भाई नीचे के बेस, उसके बाद में तो फर्मा वगैरह आएगा तब ऊपर काम स्टार्ट होगा। मोरंग गिरने का काम शुरू हो गया भाई, वहाँ से मोरंग साड़ी अपनी यहाँ आ जा रही है, पन्नी नहीं खा दी गई है, मसाला भी अपना तरह से तैयार चल रहा है और पिलर की ढलैया भी भाई फाउंडेशन की स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारे तिवारी जी आ गए अपनी सफेद बसंती से। आज का मौसम देखो भाई कितना मस्त है, मतलब धूप नहीं आई है, सुकून है, धूप होती है भाई तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मोरंग एक ट्रैक्टर और आ रहा है अभी, शायद एक दो ट्रैक्टर होगा अभी, और जो ट्रॉली और वहाँ जेसीबी लगी है, जेसीबी लाद रही है मोरंग, वो देखो भाई है ना। तो अभी इतना आया पन्नी करना पड़ेगा, लग रहा पन्नी और मंगानी पड़ेगी, अभी 2-3 ट्रॉली और आएगा और इतने में हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। इधर भी पिलर है भाई, कल तो भाई 4 पिलर गिर गए थे, कल पता क्या हुआ, एक रस्सी टूटी, एक पिलर झुका, दूसरी रस्सी तोड़ा, एक लाइन से फिर उधर का था, 4 पिलर एक लाइन से गिर गए थे भाई। तो काम आज सुबह बढ़ गया था, पर भाई देखो पानी वाली दिक्कत अभी भी इधर पानी भर जा रहा है, इस वाले पिलर में जो ये वाला पिलर है इसमें ज़्यादा भर रहा है, तो ज़्यादा गहरा खुद गया कुछ ऐसा सीन होगा, इसमें ज़्यादा पानी भर जा रहा है, ठीक है। और बाकी सब उतना अब पानी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है भाई, चलेगा जैसे चल रहा है। ट्रॉली आ रही है एक और मोरंग लेके, और कल 18 तारीख है भाई, कल से बाउंड्री भी लग जाएगी इसकी, कल थोड़ा काम है, कल मैं शायद ना भी आऊँ तो बाउंड्री वाला काम स्टार्टिंग का आप लोग कुन्ना ब्लॉक देखो शायद यहाँ पे सेंटर में या फिर साइड कॉर्नर ऑर्नर में कहीं पर स्टेज का, अभी जब पूरे डिज़ाइन करेंगे ना लॉन का तब उसको डिसाइड करा जाएगा भाई। पहले कल से बाउंड्री हो फिर पार्क वगैरह के लिए जो बढ़िया सा गार्डन रहेगा उसके लिए माली को भाई कॉन्ट्रैक्ट देना है, बात हो गई है, सब कुछ डन हो गया, बस काम स्टार्ट करना माली को भी। और इधर कैटर्स के लिए एक रूम जहाँ पे सब खाना बनेगा, बढ़िया जालीदार हवादार जहाँ पे मतलब घुटन ना हो, और इधर एक गेट ठीक है, और इधर पूरी पार्किंग, इधर अपनी बिल्डिंग। तो भाई पीछे देखो, पीछे भी काफ़ी सफिशिएंट एरिया लग रहा है, इधर भी बढ़िया रोड है, बस ये रोड यहीं से निकल जा रही है, मतलब आगे भी पीछे भी दोनों तरफ रोड मिलेगी ठीक है ना, कोई भी इशू नहीं होगा जाम वगैरह का, कोई भी सीन दिक्कत नहीं होगी। और देखो भाई सफिशिएंट जगह है भाई, और भाई जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पानी की दिक्कत थी, तो बोरिंग हम लोगों ने पहले ही करवा ली थी, अब कल मैं यहाँ पे जब गया हूँ शाम को तो शाम को यहाँ पे नल भी फिट कर दिया गया, जाम कर दिया गया, अगर जाम ना करो तो भाई तो कोई भी खून खड़े क्लास में ले जाता, इसलिए नल नहीं जाम कर रहे थे, पर कल जाम हो गया है। और भाई इसका पानी पीने लायक है, बड़ा बढ़िया, अब पानी पीने दिक्कत नहीं है, यहीं से पानी पिया भाई मज़ा आ गया ठीक है। और अब ये तो भाई गड्ढा खोदा गया, इससे पानी वाले अभी नाली वाली है ना निकलने के लिए पानी, तो गड्ढा खोदने खराब पानी से चला जाया करेगा। मसाला भी पास में बनने की व्यवस्था कर दी गई है, सब व्यवस्था बिल्डिंग के आसे पास में मोरंग पास में कितने सब गिराया गया, सीमेंट होता है रोया जाता है भाई। भाई जैसे भी बुलवाए हैं, जिससे कि जो रास्ता बहुत ऊँचा पड़ जाता है ना, यहाँ हम थोड़ी मिट्टी पटवा दें तो गाड़ी वाड़ी उतारने चढ़ाने का आराम है थोड़ा, क्योंकि अभी गाड़ी फंस जाती है इससे ना, तो आराम हो जाएगा।
जेसीबी और ट्रॉली का भी काम भाई पूरा हुआ, वो गड्ढा वगैरह सब हो गया और मतलब पार्ट दिए उसको बढ़िया से, और बोरिंग वगैरह भी आ गई यहाँ पे। तो भाई 4 बज रहा है और मैक्सिमम काम आज का कंप्लीट है। पापा रुकेंगे ही और पापा देख रहे हैं, मैं चल रहा हूँ भाई घर। काम तो 5-6 बजे तक चलेगा, 5:30 बजे तक। मैं अब निकल रहा हूँ भाई अयोध्या के लिए। और आज के ब्लॉग में इतना ही था, अगर पसंद आया होगा पसंद लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर।